वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। इसके अंदर जो है हम तीन तरह की माइक्रोस्कोपी जो है पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट जो है उसमें हम आज की वीडियो में एक माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करने के लिए। जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमें जो नेक्ड आई से दिखते नहीं है, तो उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से एनलार्ज करके देख सकते हैं। और उसके बाद में टाइप्स बताया कि माइक्रोस्कोप जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक माइक्रोस्कोप जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है और उसका दूसरा टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट को यूज करके जो है वो ऑब्जेक्ट को देखता है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर क्या होता है, बीम जो है वो यूज की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो भी तीन तरह का होता है। एक तो होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, और दूसरे होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और थर्ड होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसके बारे में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर एक आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम जो है इस वीडियो में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको बढ़ाया जाता है ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कुछ ऐसे स्पेसिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे लिविंग सेल्स हो गए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उनका हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस जो है प्रोड्यूस करने का काम करती है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। उसके बाद में है इस माइक्रोस्कोपी में जो है हम कॉनिकल फेज प्लेट्स का यूज करेंगे, जिससे क्या होता है जो सिंगल या फिर कॉमन फेज होता है उसमें लाइट इमर्ज हो जाती है, इसलिए हम कॉनिकल फेज प्लेट का इसमें यूज करेंगे। तो अब हम इसके जो है प्रिंसिपल की बात करेंगे और डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे कि कैसे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है काम करती है। सो गाइस, अब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के। तो इसके प्रिंसिपल में ये दे रखा है कि जब कोई भी लाइट हम सेल के थ्रू पास करते हैं तो उसमें छोटा सा फेज शिफ्ट जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि इनविजिबल होता है आईज के। उसके बाद में है जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें जो फेज शिफ्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्पलीट्यूड के अंदर, जो कि हमें डिफरेंस बताता है इमेज कॉन्ट्रास्ट के अंदर। उसके बाद में हम एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसकी एप्लीकेशन मतलब ये किस चीज में यूज होता है, तो एप्लीकेशन ये है इसकी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं, जैसे लिविंग सेल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और फाइबर्स हो गए। स्टडी करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है सेल डिविजन की। उसके बाद में है एडवांटेजेस इसके कि क्या क्या इसके फायदे हैं। तो फर्स्ट है कि लिविंग सेल जो है हम इसमें नेचुरल स्टेट में जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में है ये हाईली ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको विजिबल कर सकते हैं, हम इसकी मदद से देख सकते हैं। उसके बाद में है कि हम इसकी मदद से इंट्रासेल्युलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी हम जो है एग्जामाइन कर सकते हैं। तो इसके जो डायग्राम है यहाँ पे है कि इस तरीके का इसका कुछ होता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर। इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है, और यहाँ पे जो है हम स्पेसिमेन लेते हैं जिसको हमें एग्जामिन करना होता है, और यहाँ पे जो है हम यहाँ से देखते हैं स्पेसिमेन को। और सबसे पहले यहाँ पे आती है एक फेज प्लेट, उसके बाद में रिफ्रेक्ट होती है यहाँ से लाइट, और इसके बाद में जो है हम देखते हैं यहाँ पे जब लाइट पहुंचती है तो यहाँ का जो फेज है वो स्पेसिमेन के द्वारा अल्टर हो जाता है। उसके बाद में जब यहाँ से लाइट निकलती है तो यहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट जो है वो उसमें हो जाती है, और फेज यहाँ पे अनअल्टर होता है स्पेसिमेन के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे स्पेसिमेन हमारा प्लेस्ड होता है, और यहाँ पे जो है नीचे कंडेंसर लेंस लगा हुआ होता है, और फिर यहाँ पे एन्यूलर डायफ्राम होता है। तो यहाँ से लाइट सोर्स होता है, यहाँ से इसका
स्पेसिमेन में लाइट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये है इसका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन। ये जो है वो ट्रांसपेरेंट जो स्पेसिमेन होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो है वो काम में आता है। सो गाइज, इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।